मध्य प्रदेश में महिलाओं बच्चियों के खिलाफ हो रहे अपराधों को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। बेटी बचाओ के अभियान के तहत भोपाल में यूथ कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकाला। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार को कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए। भोपाल सहित प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बच्चियों के साथ हो रहे दुष्कर्म की घटनाओं के विरोध में कांग्रेस ने बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की है और इसी अभियान के चलते ही बेटियों के जो सम्मान में जो उनके अत्याचार जो लगातार हो रहे हैं उसको लेकर मशाल जुलूस यात्रा जो है वो निकालने की तैयारी जो है वो की कही थी बात और इसी को लेकर आज राजधानी भोपाल सहित अलग अलग जिलों में इस प्रकार के जुलूस जो है वो देखे जा रहे हैं और जो देख सकते हैं कि माँ बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रही है प्रदेश सरकार पर कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हमारे साथ आप लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के निर्देश पर और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेन दर्शन सिंह के आह्वान पर एक अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया गया है जिस अभियान का नाम है बेटी बचाओ अभियान। उसके तहत जिस प्रकार हम देख रहे हैं हर 17 मिनट में मध्य प्रदेश में कोई ना कोई बच्ची कोई ना कोई महिला के साथ गलत कर्म हो रहा है, दुष्कृत्य हो रहा है और ये सरकार इसको रोकने में पूरी तरीके से विफल है। बहन बेटियां न स्कूल में सुरक्षित है, न घर में सुरक्षित है, कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। रेप और अभी जो स्कूल के अंदर रेप हुआ था वो एक पुलिस वाले की लड़की थी। अभी और आगे कैंडल मार्च, धरना, भूख हड़ताल ये सब होंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। देखिए निश्चित तौर पर अभी तो ये शुरुआत हुई है मशाल यात्रा के बाद और इसके बाद अलग अलग तरीके से जो कांग्रेस का कहना है कि अलग अलग चाहे उपवास का माध्यम हो, पैर छोकर मामले हैं, ऐसे कभी तमाम मामलों को लेकर अब मुख्यमंत्री निवास का घिराव भी करते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन श्रीकांत झा के साथ प्रदीप तलाजनाथ 24/7 भोपाल।